श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीन राशि वालों के लिए मार्च 2020 कैसा जाएगा यह महीना। पहले हम आपसे ये बताते हैं कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो आपके पास सीधा पहुंचे, आपको लाभ हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंचे, सबको लाभ हो, क्योंकि आने वाले समय में अनेक प्रकार की वीडियो योग दशाएँ भी डालेंगे ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। पहले हम आपको बताते हैं कि इस महीने में व्रत और त्यौहार 3 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी विशेष शुभ कार्य करने के लिए जो है मनाही है, इसमें कोई भी विशेष शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, निषेध बताया गया है। 9 मार्च को होलिका दहन होगा जो पूरे देश में मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना चाहिए। अगर कोई कार्यों में आपके रुकावट आ रही है तो आपको इस दिन भोजपत्र पे लाल चंदन या लाल पेन से अपनी मनोकामना को लिख करके कलावा या मौली में बांध करके इसको होलिका जलते हुए उसमें डाल देनी चाहिए। उनकी 7 प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करनी चाहिए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। उस दिन सूर्य अस्त के बाद रात 10 बजे के बीच में आप भगवान विष्णु का ध्यान करके एक दीपक जलाइए और इस दिन अपनी मनोकामना के प्रति अगर सत्र में कोई बाधा है तो बंगलामुखी का या लक्ष्मी जी का कुछ भी आप सिद्धि के लिए मंत्र ले लीजिए और जप कीजिए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। 10 मार्च को होली, रंगोत्सव होली पूरे देश में मनाई जाएगी जो कि हमारा हिंदुओं का बहुत अच्छा त्यौहार है, अच्छे धाम से धूमधाम से मनाई जाती है, हमारा भाईचारे का जो है त्यौहार है। और 16 मार्च को शीतलाष्टमी रहेगी, इस दिन माँ शीतला देवी की पूजा की जाती है। 25 मार्च को हमारा संवत्सर बदल जाएगा, इस दिन 2077 संवत्सर लग जाएगा और चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बुधवार प्रारंभ होगी। इस दिन से नवरात्र प्रारंभ होगा, हमारा नया संवत्सर हमारा इसी दिन से होता है। इस दिन भगवती के कलश स्थापन पूजन अपनी मनोकामना के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है आप भगवती से मांगिए। आपको बिजनेस में दिक्कत आ रही है, सफलता नहीं मिल रही है तो आप उस समय देवी का दुर्गा सरस्वती का पाठ कीजिए या लक्ष्मी जी का ओम श्रीं श्रिय नमः का 1.25 लाख जप कीजिए तो आपको लाभ होगा। आपको शत्रु संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, आपको न्यायालय संबंधी कोई दिक्कत है, मुकदमे इत्यादि हैं तो आप संकल्प लेकर पहले दिन से प्रारंभ करिए, सरसों का तेल जलाइए और बंगलामुखी का ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा के लय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओं स्वाहा इस मंत्र का जप कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए तो आपको शत्रु पर विजय मिलेगा। आप संपुटित पाठ कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो लक्ष्मी जी का मंत्र लगाकर संपुटित पाठ किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण से करवाइए तो आपको लाभ होगा। आप हम आपको बताते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह महीना। मीन राशि का मालिक बृहस्पति 10 स्थान में केंद्र में मंगल और केतु के साथ विराजमान रहेंगे जो कि आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेगा, रुके हुए कार्यों में सफलता होगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर रहेगा जो कि कुटुंब में कोई शुभ कार्य हो सकते हैं आपके और धन की वृद्धि बन सकती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भूमि भवन वाहन कोई नया कार्य प्रारंभ होगा या तो मकान भूमि से अच्छी सफलता मिल सकती है, माता पिता का सुख भी प्राप्त होगा। आपको पेट संबंधी दिक्कत से थोड़ी सी बचनी चाहिए, पेट की दिक्कत आपको आ सकती है। इस महीने शनि स्वगृहों का लाभ स्थान पे हैं, आपको कई प्रकार के लाभ दे सकते हैं, रुका हुआ कार्य सफलता मिलेगा, आपको भाइयों से भी लाभ हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी शरीर में पीड़ा, आपको क्रोध चिड़चिड़ापन और अनिद्रा से आपको बचना चाहिए, बाकी आप जो है अपने कार्यों में लगे रहिए आपको सफलता मिलेगी। इस महीने चतुर्थ स्थान में राहु उच्च का होकर विराजमान रहेंगे जो कि कार्यों में सब सफलता मिलेगा लेकिन थोड़ी सी माता को कष्ट हो सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके खर्च स्थान पर रहेगा, कुछ निरर्थक खर्च भी जा सकते हैं, किसी के बीच में जिम्मेदारी न लें, गवाही न दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने सूर्य के साथ बुध आदित्य योग द्वादश में बना रहे हैं जो कि नेत्र से संबंधित आपको कष्ट हो सकता है, थोड़ी सी आपको न्यायालय से संबंधित या सरकारी क्षेत्रों से आपको बचना चाहिए, आपको संयम बरतना चाहिए तो आपको लाभ होगा। इसी महीने द्वितीय स्थान पर
शुक्र विराजमान है, घर में कोई शुभ कार्य होगा। आपके भोग से संबंधित, आपको सौंदर्य से संबंधित कोई सफलता मिल सकती है। आपको घर में वाहन इत्यादि का भी लाभ हो सकता है, या रुके हुए कार्य सफलता, पत्नी से भी धन लाभ या पत्नी से सुख मिलेगा, या प्रेम संबंधी आप कर रहे हैं अगर विवाह करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं ऑल ओवर स्वास्थ्य के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह महीने में थोड़ा सा नेत्र और मस्तिष्क का ध्यान रखिए, नेत्र संबंधी आपको दिक्कत आ सकती है, और थोड़ा सा शत्रु से भी सावधानी बरतें, रात की क्षेत्र से भी सावधानी बरतनी चाहिए, बाकी यह महीना आपके स्वास्थ्य अच्छा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं बिजनेस और नौकरी से यह महीना कैसा रहेगा। बिजनेस और नौकरी से महीना बहुत अच्छा जाएगा, इसमें इस अच्छी तरक्की या पदोन्नति हो सकती है। कोई रुका हुआ कार्य है तो आपको सफलता मिल सकता है, कोई कार्य नया प्रारंभ करना है, नई नौकरी ज्वाइन करनी है तो बहुत यह महीना आपके लिए अच्छा है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस महीने में जा सकते हैं, आपके लिए यात्रा, तीर्थ यात्रा भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि नवमेश भाग्य का मालिक दशा में होने से समाज में मान प्रतिष्ठा और भाग्य की उन्नति होती है। आप अब हम आपको बताते हैं कि आय और व्यय, इस महीने में आय व्यय बराबर रहेगा, जितनी आमदनी होगी खर्च उतना रहेगा, आपका कोई काम रुकेगा नहीं, सब चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आपको खर्च पे कंट्रोल करना चाहिए। संतान पक्ष से भी आपको थोड़ी सी चिंता बन सकती है, और इस महीने हम बताते हैं अगर कोई दिक्कत है उसका उपाय क्या करना चाहिए। इस महीने अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस समय भगवान के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का तुलसी के माला लेकर के और डेली 8 माला जप कीजिए तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इस महीने आपको कबूतरों को दाना डालना चाहिए और कुत्ते को भी थोड़ी दूध पिलाना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शांति मिलेगी और मनोकामना पूरी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण।